हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद यास्मीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है आजकल। ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा फॉग है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रिसेंटली अभी वेकेशन से आई हूँ, ग्वालियर की ट्रिप पे मैं गई हुई थी। जिन्होंने मेरे वो ब्लॉग नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ जाकर सबसे पहले वो मेरे ब्लॉग देखें। तो जैसे कि आपको पता है, जब हम घूमने जाते हैं और धूप वगैरह में निकलते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ है, मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा टैन हो गई थी। तो आप लोगों की भी होती होगी अक्सर, तो उसी सबका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप होममेड घर की ही चीज़ों से अपनी स्किन को रिमूव कर सकते हैं, टैन रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी घर में ही यूज़ होने वाली, जो घर में ही आपको इजीली मिल जाएंगी, सबके ही घरों में वो चीज़ होंगी, तो उससे आप कैसे अपना सनटैन रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जल्दी से देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, उसके बाद है टमाटो प्यूरी, उसके बाद है राइस फ्लावर यानी चावल का आटा, और ये है सैंडलवुड पाउडर, ये रेड वाला सैंडलवुड पाउडर है। उसके बाद है टर्मरिक यानी कि हल्दी, कस्तूरी हल्दी है ये, और ये है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल जो कि मैं फ्रेगनेंस के लिए यूज़ करूँगी, और ये है रोज़ वाटर। और उसके बाद अब देख लेते हैं जिससे हम स्क्रब करेंगे, शुगर और टमाटो, क्योंकि शुगर में दो तरह के एसिड होते हैं, ग्लिकोलिक एसिड और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये दोनों प्रोडक्ट जब मिलते हैं तो हमारे स्किन में बहुत अच्छा स्क्रब करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे पार्टिकल्स हैं इसमें। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है, तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट। तो एक्सफोलिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एक हाफ टमाटो, और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी शुगर। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है आपको स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, क्योंकि जो टमाटो होता है इससे में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को ब्लीच करते हैं, तो इससे बहुत अच्छा स्क्रब होता है। और जो शुगर है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सफोलिएट करती है आपकी स्किन को। तो इन दोनों से हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने हाथ पे ही करके, मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से आपको अपने हाफ टमाटो पे लेनी है, शुगर डाल लीजिए, उसके बाद बहुत ही हल्के हाथ से आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना है, अच्छी तरह से इसे एक्सफोलिएट कर लीजिए। पूरे ऑल ओवर फेस में, बॉडी में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और इन दोनों ही प्रोडक्ट में बहुत अच्छे पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को स्मूथ बनाते हैं, सन टैन रिमूव बहुत अच्छे से करते हैं। और ये वो आइटम है जो आपको कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स। जैसे 4-5 मिनट तक आपको इस तरह से करना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप अपनी स्किन को अच्छे से इसमें लगा लीजिए। 2 मिनट के लिए आप इसे छोड़ भी सकते हैं ऐसे, नहीं तो आप इसे वाइप आउट कर दीजिए। आप इसे वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक वाइप्स की हेल्प से मैं इसे रिमूव कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए, मैंने अपने हैंड को रिमूव कर दिया है, अभी देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। तो सिर्फ अभी टमाटो और शुगर को ही यूज़ करने से मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है स्किन, ये जैसे देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ एक ही अभी रेमेडी से इतना फर्क पड़ गया है हाथ पे। एक बाउल ले लेते हैं इस तरीके का, उसमें सबसे पहले हम जो डालेंगे वो है हमारा ग्राम फ्लोर जो यानी कि बेसन। तो ये हम डालेंगे, जितना आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करिए। अगर आप अपने फेस के लिए यूज़ करना है तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से पता हो कि आपके फेस में कितना ज़्यादा पैक यूज़ होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 स्पून लूँगी,
क्योंकि ये मेरे लिए सफिशेंट है, और क्योंकि इसमें अभी और भी चीज़ें ऐड करनी है तो ये उतना हो जाएगा। तो मैंने ग्राम फ्लोर ले लिया है, और ग्राम फ्लोर में जो होता है वो टैन रिमूव बहुत अच्छे से करता है, ये एक्सफोलिएट करता है आपकी डेड स्किन को, फाइन फेशियल हेयर जो होते हैं आपकी स्किन पे उन्हें रिमूव करता है, स्किन को फेयर भी बनाता है। एंड दिस फ्लोर इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फाइबर। और अब हम जो इसमें ऐड करने वाले हैं वो है चावल का आटा, इसमें ऐड करेंगे क्योंकि चावल का आटा जो होता है वो बहुत ही अमेजिंग अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि इसमें जो आपकी बॉडी का आपकी फेस का जो भी एक्सेस ऑयल होता है उसे ये बहुत अच्छे से सोक करता है, बहुत अच्छे से ये कंट्रोल कर लेता है आपके एक्सेस ऑयल को, और जो ब्लॉक्ड आपके पोर्स हैं, पिंपल्स हैं, उन्हें रिड्यूस करता है काफ़ी हद तक, और स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है इसे यूज़ करने के बाद। तो हम इसमें ये 2 चम्मच ऐड कर देंगे चावल का आटा। और अब जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है टमेटो प्यूरी, भी इसमें ऐड करेंगे हम, तो 1 चम्मच ही सफिशिएंट है, मैं 1 ही चम्मच इसमें डाल रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं इसमें। और इसके बाद जो मैं अब इसमें ऐड करूँगी वो है सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन पाउडर, ये मैंने रेड वाला लिया है। इसमें सैंडलवुड में 2 तरह के पाउडर आते हैं, एक थोड़ा सा वाइट होता है, वाइट सैंडलवुड, और ये रेड भी होता है, तो जो आपको मिलता है आप वो ले लीजिए, मेरे पास दोनों थे लेकिन मुझे अभी ये वाला यूज़ करना था तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सैंडलवुड पाउडर आपकी स्किन के लिए, क्योंकि ये स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू यूज़ करना होता है, तो मैं इसमें सिर्फ इतना डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी हल्दी, आप इसमें कस्तूरी हल्दी ही यूज़ करिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वही आपकी फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं सिर्फ 1 पिंच लूँगी इसमें हल्दी। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारा हल्दी से फेस बहुत ज़्यादा पीला हो गया, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, फेस अगर आपका पीला हो भी गया है तो वो बहुत टाइम तक नहीं रहने वाला है, फेस वॉश करने के बाद वो रिमूव हो जाता है। और अब इसमें हम डालेंगे रोज़ वाटर, रोज़ वाटर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, वाटर ऐड कर दीजिए, और अगर आपको इसमें लेमन ऐड करना है तो लेमन भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, वो भी बहुत अच्छा टैन रिमूवर है, लेकिन जो जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो लेमन यूज़ ना करें, तो मैं इसमें डाल देती हूँ रोज़ वाटर। और इसमें मैं थोड़ी सी फ्रेगनेंस के लिए लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, तो इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाऊँगी बहुत जल्दी, तो ये मैं इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल्स की कुछ बूंदे डालूँगी। और जो आपको मैं नहीं दिखा पाई थी सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो कि है मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट इफेक्टिव, वो है ये पतंजलि का एलोवेरा जेल, तो ये है मेरे पास बड़ा वाला है, आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं, तो मैं इसमें ये 1 स्पून ऐड कर दूंगी तो इतना सफिशिएंट है ये, तो इतना ऐड कर देते हैं इसमें। और अब बस फाइनल स्टेप जो है वो इसे मिक्सिंग का है, इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि इसमें है बेसन जिसमें लम्स बहुत इजीली पड़ जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि लम्स ना पड़े इसमें। तो ये देखिए एक अच्छा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी इसमें रखनी है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको, ये बिल्कुल ठीक है इस तरह का बैटर। और बस अभी फाइनल स्टेप, एक ब्रश की हेल्प से आप इसे लगा लीजिए, ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी इसे इस तरह से लगा सकते हैं, इसे लगा लेना है। और इसके लगाने के 2 तरीके मैं आपको बताती हूँ, या तो आप इसे पहले अपनी स्किन पे इस तरह से लगा के पूरी स्किन में आपको अच्छे से लगा लेना है, पूरे फेस में लगाना है आपको, जहाँ जहाँ भी आपकी स्किन टैन हुई है आप इसे वहाँ लगा सकते हैं,
तो इस तरह से आप अपनी स्किन में इसे लगा के छोड़ भी सकते हैं अराउंड 15 to 20 minutes. एक और तरीका है लगाने का कि आप इसको पहले अच्छे से मसाज करिए, इस तरीके से पूरा अच्छे से मसाज करिए अराउंड 5 to 10 minutes तक मसाज करिए अपने फेस पे. उसके बाद इसे छोड़ दीजिए 10 to 15 minutes के लिए छोड़ दीजिए. और जब आप इसे रिमूव करेंगे तो इसे मसाज करके ही आपको निकालना है अपनी स्किन से. और हल्के वार्म वाटर से अपने फेस को धो लीजिए. इस तरह से मसाज करते रहिए. और बस देखिए, अब मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है. अभी मैं एक टिश्यू की हेल्प से, एक वाइप्स की हेल्प से इसे पानी को सोक कर देती हूँ. और जब आप अपना फेस को वॉश करने करेंगे उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से रबिंग नहीं करनी है फेस पे. रबिंग करने से क्या होता है कि आपके फेस में ना बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है. तो प्लीज़ जब भी आप अपने फेस को वॉश करें, वॉश करने के बाद जब भी टिश्यू से आप कर रहे हैं तो इसको सिर्फ डैबिंग मोशन में ही आपको क्लीन करना है. इस तरह से आपको अपने फेस को डैबिंग मोशन में क्लीन करना है. रबिंग करेंगे तो फेस में रेडनेस आएगी. तो अभी हो गया है ये कंप्लीट. तो आप इसके बाद कोई भी एक बढ़िया सा अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपनी स्किन में लगा लीजिए, जो भी आपको सूट करता है. तो आपको, आई होप कि आप ये वीडियो मेरे आपके लिए हेल्पफुल रही हो. तो अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा.